हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। आज मैं बताऊंगी कि यक्ष और यक्षिणी कौन होते हैं। हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में यक्ष, कुबेर भगवान और महाभारत काल में युधिष्ठिर जी द्वारा प्रश्न किए जाने पर यक्षों ने उनके भाइयों को जीवन दान कर दिया था। मैं आज बताऊंगी कि यक्ष साधना से आप अपार धन दौलत और अपनी हर इच्छा कैसे मना सकते हैं। पहले जान लीजिए कि यक्ष होते कौन हैं, इनकी दुनिया क्या है। तंत्र देवी, यक्षिणी, पिशाचिनी, योगिनी आदि अनेक दिव्य शक्तियों का जिक्र मिलता है। साधना के दो मार्ग हैं, एक वाम और दूसरा दक्षिण। दो तरह की शक्तियां होती है, एक देवी है, दूसरी राक्षसी। व्यक्ति को तय करना होता है कि उसे किस तरह की साधना करना चाहिए। हिंदू धर्मानुसार से स्वाति शक्ति की ही साधना करना चाहिए। हमारे धर्मों में लिखा, जो जिसकी साधना करेगा उसे उसको वैसा फल जरूर मिलेगा। आप साधना के लिए किस मार्ग को चुनते हो आपके ऊपर। यदि साधना उचित रीति से नहीं की जाती है तो इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। यदि आप देवताओं की साधना करने की तरह किसी यक्ष या यक्षिणी की साधना करते हैं तो यह भी देवताओं की तरह प्रसन्न होकर उचित मार्ग दर्शन या फल देते हैं। जब पांडव दूसरे वनवास के लिए वन में भटक रहे थे तब एक यक्ष ने उनसे भेंट हुई, जिसने युधिष्ठिर से विख्यात में प्रश्न किया था। यक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है जादू की शक्ति। आदि काल में प्रमुख रूप से यह रहस्यमय जाति थी। देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं, पिशाच, किन्नर, वानर, रीज, बल्लभ, किरात, नाग आदि ये सभी मानवों से कुछ अलग थे। इनके पास कुछ दिव्य शक्तियाँ थीं। इन सभी के पास रहस्यमय ताकत होती है और यह सभी मानवों की किसी न किसी रूप में मदद करते। देवताओं के बाद देवीय शक्तियों के मामले में यक्ष का ही नंबर आता है। कहते हैं कि यक्षिणियाँ सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो पिशाचिनियाँ नकारात्मक। बहुत से लोग यक्षिणियों को भी किसी भूत पिशाचिनी की तरह ही मानते हैं। साधना विवेक पूर्व करें। यक्षिणी साधना के समय एक बहुत ही सौम्य और सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती है। प्रमुख आठ यक्ष और यक्षिणियाँ भी होती हैं। यह आठ यक्षिणियों के नाम है। नंबर एक सुरसुंदरी, नंबर दो मनोहारिणी, नंबर तीन कनकवाती, नंबर तीन कामेश्वरी, नंबर चार रति प्रिया, नंबर पाँच, नंबर छः पदिनी, नंबर सात नटी और नंबर आठ अनुरागिणी। यहाँ प्रस्तुत है अनुरागिणी यक्षिणी के बारे में। अनुरागिणी यक्षिणी यदि साधक पर प्रसन्न हो जाए तो वह उसे नित्य धन, मान, यश आदि से परिपूर्ण तृप्त कर देती है। अनुरागिणी यक्षिणी शुभ वर्ण है और यह साधक की इच्छा होने पर ही उसके रास उल्लेख भी करती है। यक्षिणी को सिद्ध करने का मंत्र, ओम ह्रीम अनुरागिणी आगच्छ स्वाहा। साधना की तैयारी, यह साधना घर पर नहीं किसी एकांत स्थान पर करना होती है जहाँ कोई विघ्न न डाल सके। उक्त साधना नित्य रात्रि में की जाती है। साधना के पहले उक्त यक्षिणी का चित्र साधना स्थल पर लगा दे। साधक ना काल में किसी भी प्रकार की अनुभूति हो तो उसे किसी को बताना नहीं चाहिए। हवन और पूजा के संपूर्ण सामग्री एकत्रित कर लें। साधन स्थल पर पर्याप्त भोजन, पानी और अन्य प्रकार की दैनिक जरूरत की व्यवस्था करके रखें ताकि साधना छोड़कर कहीं जाना ना पड़े। भोजपत्र पर लाल चंदन से अनार की कलम द्वारा किसी शुभ मुहूर्त में उस उक्त यक्षिणी का नाम लिखकर उसे आसन पर प्रतिष्ठित करने का उचित रीति से आवाहन करके उनकी पूजा करें। उसके बाद उपयुक्त मंत्र का जाप प्रारंभ करें। कम से कम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000 तक आपको जग का जप उल्लेख करना पड़ेगा। जिसकी भी संख्या का जप संकल्प लिया हो उतना जप आपको करना पड़ेगा। इसके बाद कम से कम 108 बार हवन में आहुति अवश्य दें। जप और हवन समाप्त होने के बाद वहीं सो जाएं। यह साधना की संक्षिप्त विधि है। अगर आपको साधना करना है तो आपको किसी जानकार की मदद लेनी पड़ेगी। यक्षिणी साधना के बाद आप उनसे जो कुछ चाहें वो पा सकते हैं। वो आपको हर चीज़ देने में सक्षम होती हैं। यक्ष और यक्षिणियों का बोध जैन और बौद्ध धर्मों में कुबेर
और यक्षों का राजा माना जाता है, जो धन समृद्धि के देवता हैं। अगर आप चाहें तो कुबेर भगवान के मंत्र ओम कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य पते धन धान समृद्धि में देहि दापय स्वाहा, इस मंत्र का जाप आप नियमित करके कुबेर भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और आप अपनी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी रख चले थैंक यू।